हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी मोनोटोशन। तो कैसे आप सब लोग, आज हम बात करने वाले निसान मैग्नाइट और रेनॉल्ट टाइगर के बारे में। तो वीडियो में ले जाने से पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को बेचना चाहते हैं लेकिन मार्केट में अच्छा प्राइस ना मिलने की वजह से आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच नहीं पा रहे हैं, या फिर जैसा कि आप सबको पता है कि एक अच्छा प्राइस देने के लिए एक अच्छा खरीदार चाहिए होता है जो कि आजकल मिलना बड़ा ही मुश्किल है, तो इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए और अच्छे दाम पर गाड़ी बेचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करें और आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल आउट करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ अपनी गाड़ी की डिटेल्स डाली हैं, तो Cars24 आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन कराएगा और कुछ मिनटों के अंदर ही आपको अपनी गाड़ी का बेस्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो आप आज ही अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, घर बैठे आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन हो जाएगी, घर बैठे सारा पेपर वर्क हो जाएगा, ना कोई RC ट्रांसफर की टेंशन, ना कोई पेमेंट का झंझट, और सबसे अच्छी बात आपको अपनी गाड़ी का बेस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो आप आज ही अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी मोटर टॉर्शन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं निसान मैग्नाइट और रेनॉल्ट टाइगर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया में जो कॉम्पैक्ट SUVs का सेगमेंट है वो दिनों दिन काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में बढ़ता ही जा रहा है। रोज़ नई SUVs लॉन्च हो रही हैं और काफ़ी कम प्राइस में हमें हैचबैक के प्राइस में लगभग हमें SUVs मिलने चालू हो गया, जिसकी वजह से लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। तो ऐसे में रेनॉल्ट टाइगर और निसान मैग्नाइट जो कि लगभग सिमिलर प्राइस रेंज वाली गाड़ियाँ हैं, जिनके बीच में लोगों की कन्फ्यूज़न जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो अगर आप भी सच में अपनी कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हैं तो ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे कारण जिनकी वजह से आप रेनॉल्ट टाइगर की बजाय निसान मैग्नाइट को प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम कोई कंपैरिजन नहीं करने वाले और ना ही हम रेनॉल्ट टाइगर की कोई बुराई करने वाले हैं, बल्कि आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं जो कि अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए निसान मैग्नाइट जो है वो ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है। तो पहला पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही गाड़ियों में हमें काफ़ी कुछ सिमिलर देखने को मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें सेम इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, दोनों ही गाड़ियों में हमें सिमिलर पावर और माइलेज भी देखने को मिलती है। इसके अलावा इन दोनों ही गाड़ियों के जो ओनर है वो सेम है, जिसकी वजह से ये काफ़ी कुछ सिमिलरिटी इनमें हमें देखने को मिलती है। तो कुछ बातें अलग है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट से, जो कि है डिज़ाइन। तो यहाँ डिज़ाइन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी दिखती है। रेनॉल्ट टाइगर की बात करें तो फ्रंट में हमें ऊपर की तरफ LED DRLs और इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, नीचे की तरफ हमें हेडलाइट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ हमें फॉग लाइट्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। और वहीं रियर की बात करें तो रियर इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, हमें बिल्कुल यूनिक टेल लाइट्स देखने को मिलती है, टेल लाइट्स का डिज़ाइन देखने को मिलता है और डुअल टोन का ऑप्शन मिलता है कलर्स का, और ऊपर की तरफ रूफ रेल और नीचे की तरफ हमें डुअल टोन अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अमेजिंग है। वहीं हम बात करें निसान मैग्नाइट की, तो निसान मैग्नाइट का भी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। निसान मैग्नाइट में हमें फ्रंट में ऊपर की तरफ हेडलाइट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक काफ़ी शार्प लुक और काफ़ी एग्रेसिव लुक देती है, और नीचे की तरफ हमें DRLs और फॉग लैंप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं पीछे की तरफ बात करें तो पीछे का डिज़ाइन भी इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हालांकि ज़्यादा यूनिक नहीं है लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। तो वैसे तो डिज़ाइन हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन यहाँ पब्लिक ओपिनियन की बात करें, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि रेनॉल्ट टाइगर काफ़ी हद तक सिमिलर लगती है फ्रंट से अपनी सिबलिंग रेनॉल्ट क्विड की तरह, और ओवरऑल इस गाड़ी का जो लेंथ है वो हल्का फुल्का कम है अपने सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से। तो वैसे तो रेनॉल्ट टाइगर का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अपने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और सिबलिंग की तरह दिखने की वजह से ये गाड़ी का डिज़ाइन जो है वो देखने में हल्का फुल्का एक हैचबैक का लुक देता है। वही अगर हम बात करें निसान मैग्नाइट की, तो निसान मैग्नाइट देखने में एक प्रॉपर SUV और एक बल्कि टफ लुक देती है। बाकी आपकी क्या राय है इन दोनों ही गाड़ियों के डिज़ाइन को लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी जो ये लोग इन दोनों ही गाड़ियों के डिज़ाइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो चीज़ देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव है वो ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ, बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट की। तो निसान मैग्नाइट एक ऐसी गाड़ी है जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कम है, क्योंकि कंपनी ने जो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफर किया है वो उसके हिसाब से इस गाड़ी की जो पर सर्विस कॉस्ट आने वाली है पहले 5 साल वो आपको 1400-1500 के करीब ही आने वाली है। और कंपनी अपना जो प्रीपेड प्लान भी लॉन्च कर चुकी है, जिसके हिसाब से अगर आप गोल्ड प्लान मेंटेनेंस कॉस्ट का गोल्ड प्लान लेते हैं तो आपको 17,000 पे करने होंगे फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ज़रूरतमंद फ्री मिलती है, जैसे कि एयर फिल्टर्स, ऑयल फिल्टर, कूलेंट और ब्रेक फ्लूड, स्पार्क प्लग, अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाती हैं। और वहीं बात करें रेनॉल्ट टाइगर की, तो रेनॉल्ट टाइगर का ऐसा अभी तक तो कोई प्लान नहीं आया, लेकिन अगर हम रेनॉल्ट की बाकी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन करें तो उनका जो सर्विस कॉस्ट है वो इससे ज़्यादा ही रहने वाला है।
चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स की जिसकी वजह से निसान मैग्नाइट एक वैल्यू फॉर मनी डील हो जाती है। तो निसान मैग्नाइट में हमें कुछ ऐसे फीचर मिल जाते हैं जिसकी वजह से ये गाड़ी काफ़ी बेहतरीन साबित हो जाती है। निसान मैग्नाइट में हमें 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन मिलता है। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूँ कि 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से आप ऊपर नीचे आगे पीछे और हर जगह आप उस कैमरे के ऑप्शन से देख सकते हैं। जब आप गाड़ी का टर्न ले रहे होते हैं या फिर आप राइट टर्न या यू टर्न ले रहे होते हैं तो एक व्यू ऐसा आता है जब आपको अपने ए पिलर की वजह से दिखना बंद हो जाता है, उस जगह से आप देख नहीं पाते हैं ए पिलर की वजह से। तो ऐसे में 360 डिग्री जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है फीचर, जिसकी वजह से आप सारी जगह अच्छे से देख पाते हैं और आपको गाड़ी चलाते हुए काफ़ी ज़्यादा ईजी ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। तो 360 डिग्री कैमरे की वजह से आपको गाड़ी चलाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है जब आप टर्न ले रहे होते हैं। इसके अलावा काफ़ी यूज़फुल फीचर जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल, निसान कनेक्ट, जिसमें आपको 50 प्लस फीचर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल है, वो आपको देखने को मिल जाता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो ये सारे फीचर आपको रेनॉल्ट काइगर में देखने को नहीं मिलते। हालांकि काइगर में भी हमें कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि हमें मैग्नाइट में देखने को नहीं मिलते, जैसे कि कूलिंग ग्लव बॉक्स, लेकिन प्रैक्टिकल यूज़फुलनेस के हिसाब से देखें तो मैग्नाइट के फीचर्स ज़्यादा यूज़फुल लगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट फीचर की जो कि है सेफ्टी। तो निसान मैग्नाइट में हमें स्टैंडर्ड वेरिएंट्स में ABS, डुअल एयरबैग्स, EVD, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स, ये सब मिल जाते हैं। इसके अलावा अपर वेरिएंट्स में हमें हिल स्टार्ट असिस्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें निसान मैग्नाइट में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमें रेनॉल्ट काइगर में देखने को नहीं मिलते। हालांकि रेनॉल्ट काइगर में हमें 4 एयरबैग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन जो आफ्टर एक्सीडेंट काम आते हैं, पर निसान मैग्नाइट की बात करें तो ये फीचर्स ऐसे फीचर्स हैं जो कि एक्सीडेंट होने से बचाते हैं। इसके अलावा हमें निसान मैग्नाइट में हमें 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल जाती है जो कि एशियन एनकैप टेस्टेड है, जिसके बाद ये गाड़ी जो है सेफ्टी प्लस माइलेज का कम प्राइस का काफ़ी अच्छा पैकेज बन जाती है। हालांकि रेनॉल्ट काइगर क्या स्कोर करती है सेफ्टी टेस्ट में वो अभी देखना बाकी है। तो ऐसे में निसान मैग्नाइट एक काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की जो कि काफ़ी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ वैसे तो दोनों ही गाड़ियों में हमें इंटरनल स्पेस लगभग सिमिलर देखने को मिलता है, लेकिन 3 एडल्ट्स के कंफर्टेबिलिटी के साथ बैठने की बात करें तो रेनॉल्ट काइगर की बजाय निसान मैग्नाइट में थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं 3 लोग, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो रेनॉल्ट काइगर है उसकी रियर सीट्स को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि ताकि 2 लोग जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ सके, जिसकी वजह से उसकी जो रियर सीट की जो कमर है वो दोनों कॉर्नर से बेंट है, दोनों कॉर्नर जो है उसके हल्के से मुड़े हुए हैं, और जब वहाँ पे 3 लोग बैठते हैं तो उनको हल्का फुल्का बेंट होके बैठना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू निसान मैग्नाइट। तो यहाँ 3 लोग जो है निसान मैग्नाइट में हल्का फुल्का बेटर कम्फर्टेबली बैठ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रेनॉल्ट काइगर। चलिए बात कर लेते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की। तो वैसे तो दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस जो सिमिलर है, लेकिन यहाँ निसान मैग्नाइट की बात करें तो इतने प्राइस में हमें लगभग सिमिलर प्राइस में हमें ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, ज़्यादा यूज़फुल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को CVT वेरियंट लेना है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि निसान मैग्नाइट का CVT वेरियंट जो है वो 70,000 कम प्राइस में मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू रेनॉल्ट काइगर। तो दोस्तों ये थे ओवरऑल 5 ऐसे कारण जिनकी वजह से आपको रेनॉल्ट काइगर के बजाय निसान मैग्नाइट को प्रेफर करना चाहिए अगर आपके लिए ये पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।